तो फाइनली इंतज़ार के घड़ियाँ ख़त्म हुई फ्रेंड्स, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, चिकनी चमेली सुष्मिता रियांग एंड मोनालिसा देव वर्मा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो 2021 फ्रॉम बुसुलवांग फिल्म, ये मूवी का सॉन्ग है। मैं आपका दोस्त संजय, नमस्कार, खुलू मखा स्वीकार करे आनी मुंग संजय ते इंडियन रिएक्शन नारुक नो जो तो नो लामसो गो। वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा, तो आ जाइए इंस्टाग्राम पे, और इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो का सारा क्रेडिट इनके चैनल का ही रहेगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। भाई गर्दन कैसे हिला रहा है ऐसे ऐसे करके? भाई हाय छोरियो, वाह कमाल डांस है भाई। तो पुलिस वाले साहब भी बैठे हैं उधर। बोतल को फुलो या फर हंगले हम जखा नले हा दे हम जखा अनो चबला क्या बात है। रंग नंखे नंग आनो शादी नंग ले बसंग नंग हजार हजार डॉलर तंगो आनी रंग बांग गरंती नंग ले कुबई मकल मुगलीली साखाई बो नाई दी नीनी मोतम दुंग माले नाई दी उमर सी दोग नीनी सिकीले फिले फालांग नोगोई खावो संखा बिजीले बकल भैया रो तान शिक्ति खंगले बखा
चिंगन यातारी दिखा गो या निशाग अमगुल बया रोतान शिक दिखा गले पे खर्तोंगो हर चिंगन यातारी दिखा गो या निशाग अग्रिबाल निमन या देचिक नीचे मिली दिलग्री मनो वंगो मुंबई ते दिल्ली एया यहा एया एया तो गाइस पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एटम गर्ल है सुष्मिता रियांग एंड मोनालिसा देव वर्मा, सिंगर है बिपाशा एंड अभिराम देव वर्मा, लिरिक्स कंपोजर अभिराम देव वर्मा, म्यूजिक कंपोजर सौकांग भाई, वाओ मेलोडी कैफे स्टूडियो जिंदाबाद। बहुत ही भाई एक से बढ़कर एक सॉन्ग लेके आ रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है। एडिटिंग स्टेफन देव वर्मा, कोरियोग्राफी स्वरूप देव वर्मा, क्या कोरियोग्राफी रही है भाई आज, मज़ा आ गया। सिनेमा ऑटोग्राफी सुचेन एंड राहुल देव वर्मा, MUA मतलब इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आजू लिखा है सिर्फ। ये बसुलवांग मूवी का सॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का सॉन्ग था यार, इतना ज़्यादा मज़ा आया, मतलब स्टार्टिंग का सीन ही मतलब मेरी पूरी बॉडी हिल गई थी ऐसे, और पूरे बॉडी पे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जैसे लुक देख के। और एट से एटम नंबर मैंने बहुत कम देखे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। जैसे इसके ट्रेलर पे हमने रिएक्शन दिया था, एक मिनट का इन्होंने ट्रेलर पास किया था, उस वक्त बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग है, और ये सॉन्ग सच में आग लगा देगा, इतना कमाल का म्यूजिक है। और गाया भी मैम ने बहुत ज़बरदस्त, उनकी आवाज़ आज बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी कह सकता हूँ, क्योंकि जो कशिश थी उनकी आवाज़ में और इन दोनों को डांस करते हुए देखकर, इन दोनों के एक्टिंग को देख के, वो लेवल ही कुछ अलग था। और सर ने भी बहुत ही अच्छे से गाया इस सॉन्ग को, दोनों सिंगर्स की आवाज़ विथ म्यूज़िक बहुत ही अच्छी थी। अब बात करते हैं एक्टिंग की, कमाल यार, दोनों मैम्स एकदम ब्यूटीफुल, इतने ज़्यादा हॉट लग रहे थे दोनों भी, वो उनके कमर हिलाने वाले सीन ऐसे अभी भी आंखों के सामने से जा नहीं रहे मेरे। उनके फेस के एक्सप्रेशंस, वो आईज़ जिस तरीके से देखते, वो उस वक्त कमाल था। और जिस तरीके से डांस किया है दोनों ने, जैसे कॉस्ट्यूम्स थे दोनों के, वो जैसे मैम उनके टेबल पर पैर रख के उस वक्त डांस करती है, और जैसे वो हाथ रख के पैर चेंज करते हो, वो वाला भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आइटम नंबर अगर कोई 100% देखना चाहते तो ये सॉन्ग देखे, सच में आइटम नंबर है। इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी दोनों के दोनों, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और जब कोई इन्जॉय करता है ना अपने वर्क को और उस टास्क को, तो 100% इंसान देता है। पे मोनालिसा एंड सुष्मिता दोनों ने भी 100% दिया है, और उनके एक्सप्रेशंस देख के इंसान कायल हो जाता है उनका, बाकी तो आप छोड़ ही दो, उनका जैसा डांस था वो देख के तो बस पसीना आ जाता है इंसान को। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस सॉन्ग को। बात करें कोरियोग्राफी की, तो लाजवाब कोरियोग्राफी रही है, नंबर वन। मुझे बहुत पसंद आया इनके डांस स्टेप जिस तरीके के थे, और क्या निभाए उन दोनों ने, ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के सिवा ये सॉन्ग कोई कर ही नहीं सकता, मतलब इन लोगों से नज़र ही नहीं हट रही थी, मेरी तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं हट रही थी, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। और कोरियोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त रही है। यहाँ पे बात करूँ कैमरामैन की, तो उनका काम भी बहुत अच्छा रहा। डायरेक्शन एंड कंसेप्ट की बात करूँ तो मेरे तरफ से 10 में से 10 मार्क है आपके लिए सर, क्योंकि बहुत ही लाजवाब डायरेक्शन एंड कंसेप्ट, तो भाई आग लगाने वाला है आपका, हर किसी के मतलब इंसान झूम जाए बस, इतना मज़ा आ रहा था सबको। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नंबर वन वर्क, क्या कॉस्ट्यूम बनाया आपने दोनों के लिए भी, बहुत ज़्यादा दोनों ब्यूटीफुल लग रही थी कॉस्ट्यूम में। और आइटम नंबर में कॉस्ट्यूम्स बहुत मायने रखते हैं, और इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान दिया है। सेट इतना मस्त बनाया था इन लोगों ने, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि एक आइटम नंबर के लिए जिस तरीके का सेट लगता है वो उन्होंने 100% दिया है सेट में भी। यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम रहा आप लोगों का। अब बात करो तो थोड़ा मूवी के बारे में, ये सॉन्ग आई थिंक मुझे जैसा लग रहा है ये पूरा सॉन्ग देख के कि यहाँ पे सस्पेंस है बहुत बड़ा, जिस तरीके से बार बार फ़ोन की तरफ कैमरा जा रहा था, वो इंस्पेक्टर साहब जैसे वहाँ से उठ के जाके बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो ये सारे लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं वो नेगेटिव रोल में है, मतलब विलन का उनका लुक है,
और जब यह सॉन्ग ख़त्म होगा मूवी में, वहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंट या फिर वो थ्रिलर टाइप रहेगा। ये सॉन्ग फिल्म के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा देता है कि फिल्म किस लेवल की रहने वाली है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का आइटम सॉन्ग है, उस हिसाब से मूवी भी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहने वाली है। तो हम इंतज़ार मूवी के ट्रेलर का भी करेंगे, क्योंकि आइटम नंबर बहुत धमाकेदार है। और जैसे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगता है कि मूवी के बारे में, स्टोरी के बारे में, तो उस हिसाब से और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया फ्रेंड्स ये सॉन्ग। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। जो तोनो हम भाई आने वीडियो नहीं मोनी बगवी, कैसा लगा मेरा रिएक्शन वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।